Hello, students. I, Abhay Kumar, going to discuss Part 11 of the fourth chapter, Moving Charges and Magnetism, of Class 12. The topics to be discussed in this part are Fleming's left-hand rule, forces between two infinitely long parallel current-carrying conductors, followed by definition of ampere.

उसमें सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के बारे में डिस्कस करेंगे इफ यू स्ट्रेच इफ यू स्ट्रेच आवर फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर इन दिस फैशन सो डैट इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैटिक फील्ड द middle फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ current through द the कंडक्टर then thumb then the द will विल रिप्रेजेंट विल इंडिकेट the thumb इंडिकेट्स then द the thumb इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द current कैरिंग कंडक्टर यदि हम अपने बाएं हाथ के पहले तीन अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस ढंग से स्टेज करते हैं फैलाते हैं जिससे कि जो तर्जनी है फोर फिंगर फोर फिंगर को हिंदी में तर्जनी कहा जाता है तो तर्जनी अगर चुमकी छत की दिशा मैटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करे बीच का जो फिंगर है मिडल फिंगर वह रिप्रेजेंट करे करंट को जो कि कंडक्टर से होकर चालक से होकर प्रवाहित हो रहा है तो थंब जो अंगूठा है बाएं हाथ का वह इंडिकेट करेगा उस धारावाही चालक पर क्रियाशील बल का दैट इज द थम्ब विल रिप्रेजेंट थम्ब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द एक्टिंग ऑन डैट करें करेंट कैरिंग कंडक्टर एंड इट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहा जाता है सो यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट आई एम लिफ्टिंग अगेन इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ our left hand such that the fourth finger indicates the direction of magnetic field the middle finger indicates the direction of current flowing through a conductor then the thumb will indicate the direction of force acting on that current carrying conductor ट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डेट इज फोर फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड फोर फिंगर लेफ्ट हैंड का यह इंडिकेट करेगा इंडिकेट्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ मैटिक फील्ड बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल वी वेक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड सिंबल मैग्नेटिक फील्ड का वी वेक्टर और जो मिडल फिंगर है लेफ्ट हैंड साइड का मिडल फिंगर वह इंडिकेट करे इसको इंडिकेट करेगा मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर इट इंडिकेट्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट बीच की जो उंगली है बाएं हाथ की मिडिल फिंगर वह किसी कंडक्टर से करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करे निर्दिष्ट करे इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर देन थंब अंगूठा जो होगा लेफ्ट हैंड का ये इंडिकेट indicate करेगा इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर जिसे करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर जिस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है उस पर फोर्स जो लगेगा उसके डायरेक्शन को किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसको ए, उसके बारे में इंडिकेशन देगा कौन बाएं हाथ का अपने आवर लेफ्ट हैंड का इंडिकेट करेगा फोर्स के डायरेक्शन को जो कंडक्टर पर फोर्स काम करेगा उसको आप जानते हैं कि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स एक्ट करता है और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है हमने निकाला था आई कैपिटल आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डेट इज आई एल बी साइन द द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फोर्स ऑन द करेंट कैरिंग कंडक्टर करेंट कैरिंग कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर और यही है इट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड के लिए होगा लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर और लेफ्ट हैंड का थंब। तो फ्लेमिंग का फ्लेमिंग का लेफ्टी फ्लेमिंग्स लेफ्ट लेफ्ट हैंड रूल वह किसके बारे में जानकारी देता है फ्लेमिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में इंडिकेट करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है यही फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आई थिंक फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक विच इज फोर्सेस बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पैरल कंडक्टर्स कैरिंग करेंट और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक लॉन्ग क्वेश्चन में या थ्री मार्क्स में भी ऑल इंडिया सी बी एस ई एग्जामिनेशन में अथी सी बी एस ई बोर्ड एग्जामिनेशन में ट्वेल्व एग्जामिनेशन में इस साल टू थाउजेंड ट्वेंटी में ये पूछा था लॉन्ग क्वेश्चन में थ्री मार्क्स में ये था और उसके साथ एक प्रॉब्लम था तो फाइव मार्क्स के क्वेश्चन में इसको पूछा था लेकिन अदर स्टेट बोर्ड्स में भी ऑल इंडिया के अदर स्टेट्स बोर्ड्स स्टेट बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो इसलिए स्टेट बोर्ड्स के जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वह इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं एग्जामिनेशन पर्पज से नाउ वी हैव टू डिस्कस सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो डैट इज फोर्सेस बिटवीन टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरल कंडक्टर्स कैरिंग करेंट दो पैरल कंडक्टर्स है जो कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग है बहुत अधिक लंबा है अनंत लंबाई का है और एक दूसरे के पैरल है सेपरेटेड बाई अगर डिस्टेंस डी से सेपरेटेड है और उसमें करंट भी फ्लो कर रहा है दो सिचुएशन हो सकता है दोनों पैरेलल कंडक्टर में या वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है या दोनों कंडक्टर्स में करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है तो पहले फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं कि जब दोनों पैरेलल कंडक्टर्स जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है अनंत लंबाई का है दोनों चालक या चालक तार पतला लंबा और एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है और उनसे होकर करंट फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में आई वन दूसरे कंडक्टर में आई टू सेम डायरेक्शन में सपोज द केस ये इनफाइनाइटली लॉन्ग एक वायर है इसका नाम रख देते हैं ए इस वायर का कंडक्टर का जो इन्फाइनाइटली लॉन्ग है अनंत लंबा है और दूसरा इसके पैरेलल ही एक दूसरा कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर लेते हैं पतला अनंत लंबाई का अनंत इन्फाइनाइटली लॉन्ग थीन वायर लेते हैं या थीन कंडक्टर बी दोनों के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन डी है सपोज डी द डिस्टेंस स्मॉल डी वि द डिस्टेंस डिस्टेंस आर भी लिया जा सकता है इन दिस केस आई हैव टेकन डिस्टेंस स्मॉल डी बिटवीन टू पैरल कंडक्टर्स बोथ कंडक्टर्स आर इन्फाइनाइटली लॉन्ग एंड थीन एंड स्ट्रेट ये दोनों चालक तार लंबा है पतला है अनंत लंबाई का है अब सपोज करते हैं कि दोनों कंडक्टर से पहले कंडक्टर ए से I1 वन करेंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और I2 से भी ये दूसरा कंडक्टर है बी या सी सपोज करते हैं क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होगा तो लेटस्ट टेक इट सी सेकेंड कंडक्टर इज सी और इससे इसमें करंट आई टू फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में जिसमें कि कंडक्टर ए में मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ही करंट uh, फ्लो करता है सी में तो दोनों कंडक्टर्स ए एंड सी जो कि पैरेलल है इनफाइनाइटली लॉन्ग है अनंत लंबाई का है पतला है लंबा है सीधा है स्ट्रेट है इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आई वन और आई टू अब जानते हैं आपके जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है तो कंडक्टर आई वन के चारों तरफ भी और आई टू के भी चारों तरफ उसके भी आई वन के भी अराउंड इस कंडक्टर ए के भी अराउंड और सी के भी अराउंड अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तो मान लिया कि कंडक्टर uh, ए से जिससे करंट आई वन फ्लो कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी है बी वन है और आई टू कंडक्टर सी दूसरा कंडक्टर जो पैरेलल कंडक्टर सी है या पैरेलल वायर सी है उससे आई टू करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वह बी टू है तो I1 के कारण जो मैट्रिक फील्ड है और ये हम सपोज करते हैं कि दोनों कंडक्टर एक दूसरे के मैटिक फील्ड में है ये फर्स्ट कंडक्टर ए सी क्योमैटिक फील्ड में और सी वाला सी कंडक्टर ए क्योंमैटिक फील्ड में तो I1 करंट जब कंडक्टर ए से फ्लो कर रहा है तो उसके कारण मैट्रिक फील्ड होगा सी के किसी पॉइंट पर वो सपोज कर लेते हैं वो वो पॉइंट कोई यहाँ पर कोई पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं क्यू है यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया कितना B1 अब यहाँ B1 की डायरेक्शन की बात होगी कि B1 का डायरेक्शन क्या होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में मैंने जानकारी दिया था राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल ये सब मैटिक फील्ड के बारे में जानकारी देता है तो थम रूल अप्लाई करेंगे तो थम को हम रखेंगे कंडक्टर जिससे करंट फ्लो कर रहा है करंट के लॉन्ग कंडक्टर से जो करंट फ्लो अति फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में थम को रखेंगे तो जो कर्ल फिंगर है वह डायरेक्शन ऑफ मैटिक फील्ड देगा तो कर्ल फिंगर जो है अंदर की तरफ जा रहा है सो so, आईवन जो करंट uh, है जो कंडक्टर ये से फ्लो कर रहा है तो उसके कारण मैटिक फील्ड दूसरा कंडक्टर सी जो ए के मैटिक फील्ड में भी है तो उसके किसी पॉइंट पर मान लेते हैं पॉइंट पी है तो वहाँ मैटिक फील्ड हो गया बी वन वहाँ मैट्रिक फील्ड हो गया बी वन और इसका डायरेक्शन हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल से थम को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में कंडक्टर जिसे करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में थम को रखेंगे तो कर्ड फिंगर मैट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाएगा जो कि अंदर की तरफ है तो यहाँ पर मैट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा ऐसे इसको क्रॉस कर देंगे क्रॉस करके घेर देंगे इन सर्किल कर देंगे क्रॉस करके इन सर्किल जो होगा क्रॉस uh, को इन सर्किल्ड इन सर्किल्ड जो क्रॉस होगा वह मैट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को शो करता है रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड नॉर्मल या डाउनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड नॉर्मल और इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन इस प्रकार कंडक्टर का जो लेंथ है दोनों कंडक्टर का लेंथ है वह मैट्रिक फील्ड के क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा अब आई टू के कारण देखिए मैट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मान लिया कि ये पॉइंट क्यू है यहाँ पर इस पॉइंट पर मैटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अब यहाँ देखिए फिर राइट हैंड थम रूल का यूज करेंगे अब यहाँ की ये अब यहाँ हम थम्प को जो है करंट के डायरेक्शन के लॉन्ग रखेंगे कंडक्टर के लॉन्ग रखेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो कर्ड फिंगर जो है कर्ड फिंगर बाहर की तरफ जा रहा है ये कर्ल्ड फिंगर बाहर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर डायरेक्शन होगा आउटवार्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर करंट आई टू के कारण सेकंड कंडक्टर से जो करंट आई टू फ्लो कर रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी टू हैक्टर वह फर्स्ट कंडक्टर एक के किसी पॉइंट पर होगा सपोज डेट पॉइंट इज क्यू एयर द पॉइंट इज पी यहाँ पॉइंट पी है यहाँ पॉइंट क्यू है और दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से रिप्रेजेंट किया है यहाँ बी वन है जो इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर है और यहाँ पर आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर यहाँ इनवार्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर है और यहाँ आउटवार्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर ये थम को रखेंगे कंडक्टर के लॉन्ग जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो कर्ड फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ मैटिक फील्ड देगा दिस इज फ्लेमिंग्स सॉरी दिस इज राइट हैंड थम रूल और भी है मैट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए एक राइट हैंड पाम रूल भी है उसके अलावा आ, 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 उसके अलावा मैक्सवेल का स्क्रू रूल है राइट right हैंडर तो ये फिगर वन हो गया जिसमें कि दोनों करेंट्स आई वन एंड आई टू दोनों पैदल इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर से सेम डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैटिक फील्ड का हमने डायरेक्शन देख लिया और मैट्रिक फील्ड का वैल्यू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के कारण लास्ट ये पार्ट पार्ट नाइन में इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण एम पी लॉ के हेल्प से भी और बायो बायोसर्वर्ट लॉ के हेल्प से भी बायो बायोसर्वर्ट लॉ के भी एप्लीकेशन में मैंने बतलाया था तो उस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो बी वन का वैल्यू निकाल लेंगे कंडक्टर फर्स्ट uh, जो आपका वायर है इन्फाइनटी लॉन्ग uh, उससे होकर करंट आई वन फ्लो कर रहा है तो उसके कारण सेकेंड uh, कंडक्टर के किसी पॉइंट सपोज दिस पॉइंट इज पी यहाँ मैटिक फील्ड बी वन का जो वैल्यू होगा म्यू नॉट आई वन इंटू टू पाई डी जो कि डी सेपरेशन है दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर का तो बी वन निकाल लेते हैं मैट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द एनी पॉइंट से पी ऑफ द कंडक्टर सी सेकेंड कंडक्टर सी ड्यू टू करेंट आई वन थ्रो द फर्स्ट कंडक्टर तो उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी वन वो हो जाएगा बी वन यूजिंग द अप्प्लीकेशन ऑफ एम्पियस टोटल लॉ और बायो सबर्ट लॉ तो मैटिक फील्ड हो गया किसके कारण करंट आई वन के कारण कहाँ पर हो गया जो सेकेंड कंडक्टर है पैरेलल कंडक्टर दूसरा कंडक्टर सी उसके पॉइंट पी पर मैटिक फील्ड हो गया बी वन उसका मैग्नीच्यूड हो जाएगा बी वन इक्वल टू बी वन मैट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी ऑफ द सेकेंड कंडक्टर सी ड्यू टू करंट आई वन थ्रो द फर्स्ट कंडक्टर ए तो बी वन इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू नॉट आई वन इसके कारण है इस करंट के कारण है इस करंट का फील्ड यहाँ तक होगा और सेकेंड जो आई टू करंट है उसका फील्ड यहाँ होगा मैंने सेकेंड करंट के कारण मैट्रिक फील्ड ए भी उसके सेकेंड कंडक्टर ए भी सेकेंड कंडक्टर के मैट्रिक फील्ड में होगा और दूसरा कंडक्टर सी पहले कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर जिससे आई वन करंट फ्लो हो रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होंगे इसलिए इक्वेशन नंबर हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया एट एनी पॉइंट पी ऑफ द सेकेंड कंडक्टर सी ड्यू टू करेंट आई वन इन द फर्स्ट कंडक्टर ए पहले चालक तार ए से होकर आई वन धारा के कारण विद्युत धारा आई वन के कारण दूसरे चालक सी के किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया बी वन म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई डी जिसको हमने जिसको हमने सवर्ट नियम का जो अनुप्रयोग था लंबे सीधे धारावाही चालक के निकट स्थित बिंदु पर जो बिंदु क्षेत्र है चुम्बक सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक था म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई डी मैट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करेंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी डी डिस्टेंस पर उस कंडक्टर से करंट कैरिंग कंडक्टर से जिससे करंट आई फ्लो कर रहा है उससे डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगा तो हाँ मैटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने बायोसर्वर्ट लॉ का यूज करके या एम पी लॉ का यूज करके ऑप्टेन किया था म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी ये किया तो ये निकल गया बी वन अब इस कंडक्टर ये जो कंडक्टर है मैट्रिक फील्ड में है बी वन पहले कंडक्टर के से जो करंट आई वन फ्लो कर रहा है उसके मैटिक फील्ड में है सेकेंड कंडक्टर सी जो पैरेलल कंडक्टर है तो आप जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर ए लेंथ का कंडक्टर है तो उसके उसको अगर मैटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो मैक्सिमम फोर्स काम करता है अगर कंडक्टर मैट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है यहाँ तो कंडक्टर दोनों कंडक्टर मैटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है मैट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है इनवर्ड नॉर्मल है यहाँ बी वन आई वन के कारण और यहाँ आउटवर्ड नॉर्मल है सेकेंड कंडक्टर सी से होकर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण तो दोनों कंडक्टर मैट्रिक फील्ड के मैट्रिक फील्ड के क्या होगा डायरेक्शन के मैट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही होगा तीस तो हमने देखा था कि कोई कंडक्टर जिसका लेंथ एल है और मैग्नेटिक फील्ड बी में अगर रखा है उससे करंट आई फ्लो करता है तो उस पर जो वह जो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसका एक्सप्रेशन होता है आई एल वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर दैट इज आई एल वी साइन थीटा लेकिन यहाँ पर तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है तो इसलिए थीटा नाइन्टी हो जाएगा कंडक्टर के लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो इसलिए साइन नाइन्टी वन हो जाएगा तो सिर्फ मैक्सिमम uh, फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर वह केवल आई एल वी साइन नाइन्टी दैट इज

इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी वन किसका है करंट आई वन के कारण है ड्यू टू ड्यू टू बी वन मैग्नेटिक फील्ड बी वन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी वन इज क्या हो जाएगा क्योंकि अब करंट तो का लेंथ तो इन्फाइट है तो अब जो फोर्स देखेंगे इसके यूनिट लेंथ पर देखेंगे या स्मॉल लेंथ पर देखेंगे तो मान लिया कि इसका एक स्मॉल पार्ट है कहीं यहाँ पर यहाँ पर मैट्रिक फील्ड है तो छोटा सा पार्ट लेंथ स्मॉल ले लिए लिए हैं क्या डेल्टा ले, ले लिए हैं तो फोर सेक्टिंग यहाँ हो जाएगा फोर सेक्टिंग ऑन ए स्मॉल लेंथ स्मॉल लेंथ एल ऑफ द इन्फाइनइटली लॉन्ग कंडक्टर सी सीज ए फिजिकल टू क्या हो जाएगा आई आई एल वी साइन नाइन्टी साइन नाइन्टी वन तो करंट है किसके कारण है करंट वहाँ आई टू है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर से करंट कितना फ्लो कर रहा है आई टू लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी वन तो ये हो जाएगा आई टू बी वन और लेंथ जो है स्मॉल ले लेते हैं उसका स्मॉल एल या डेल्टा एल भी लिया जा सकता है स्मॉल एल तो फोर्स एक्ट इम्पॉर्टेंट लेंथ होगा एफ वाई एल हो जाएगा क्योंकि लेंथ तो इसका इंफानाइट है और ये साइन नाइन्टी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वह कंडक्टर के लेंथ के लेंथ के परपेंडिकुलर है तो डैट इज आई टू बी वन इज म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी इन टू एल साइन नाइन्टी वन हो गया और एफ वाई एल एफ वाई एल ये फोर्स एक्सपीरियंस किया कौन सी किया फोर्स एक्सपीरियंस बाई एफ सी हो गया किसके कारण ए से करंट आई फ्लो कर रहा है आई वन उसके कारण तो एफ सी हो गया तो एफ सी हो गया इतना एफ सी इज गल टू म्यू नॉट आई वन आई टू मी वू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी इन टू एल एल स्मॉल लेंथ है वेरी स्मॉलो डेल्टा वी कैन टेक इट डेल्टा एज वेल तो एल से डिवाइड कर देंगे यहाँ तो फोर सेकंड फोर यूनिट लेंथ हो जाएगा तो so, ये एफ निकल गया आपका फोर्स एक्सपीरियंस बाई कंडक्टर सी सेकेंड कंडक्टर सी ड्यू टू करेंट ड्यू टू मैटिक फील्ड ड्यू टू मैट्रिक फील्ड बी वन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी वन इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी वन ड्यू टू करंट आई वन लेकिन इस कंडक्टर सी से करंट फ्लो कर रहा है आई टू देर फोर इट इज आई टू बी वन एल साइन नाइनटी तो ये एफ सी हो गया फोर्स एक्सपीरियंस बाई सेकंड कंडक्टर अब सिमिलरली फोर्स एक्सपीरियंस बाई फर्स्ट कंडक्टर अब आई टू सेकेंड कंडक्टर सी के कारण जो है सेकेंड पैरेलल कंडक्टर से करंट आई टू फ्लो कर रहा है तो उसके कारण फर्स्ट कंडक्टर ए के uh, किसी पॉइंट से इट की ओ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी टू है जो कि डायरेक्टेड आउटवार्ड नॉर्मल टू द या अपवॉर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर जिसको डॉट से सर्किल करके इन सर्किल किए हैं डॉट से अगर मैटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवार्ड नॉर्मल होता है या अपवॉर्ड नॉर्मल होता है प्लेन के तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और अंदर की ओर अगर, अगर मैटिक फील्ड होता है या नीचे की ओर तो उसको क्रॉस से सर्किल देख करके और कहाँ से ये मिला दाहिने हाथ का नियम से फ्रॉम राइट हैंड रूल तो अब जो है फोर्स एक्सपीरियंस बाइक कंडक्टर ये निकाल लेंगे और ये हम पाएंगे कि दोनों का एक्सप्रेशन एफ सी फोर्स एक्सपीरियंस बाई कंडक्टर सी और फोर्स एक्सपीरियंस बाई कंडक्टर ए दोनों सेम आएगा ये इक्वेशन नंबर टू हो गया ये तो अब हम फोर्स एक्सपीरियंस बाई कंडक्टर कंडक्टर ए ड्यू टू ड्यू टू इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी टू विच इज ड्यू टू करेंट आई टू विच फ्लो थ्रो कंडक्टर सी दूसरा जो कंडक्टर है सी पैरल कंडक्टर उससे करंट आई टू फ्लो कर रहा है तो उसके कारण पहले कंडक्टर ए के किसी पॉइंट से हम मानते हैं वह कि पॉइंट क्यू है से इट इज से निस्ट पॉइंट बी क्यू तो मैग्नेटिक फील्ड इज बी टू ड्यू टू करंट आई टू चूँकि फर्स्ट कंडक्टर ए सेकेंड कंडक्टर के भी मैटिक फील्ड में है तो उसका भी वैल्यू हम बी टू हो जाएगा कितना म्यू टू म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई डी नाउ वी कैन राइट इसको आप लोग नोट कर लें मैं समझता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो अब बी का वैल्यू हम फिर से अप्लीकेशन एमपियर का सर्कुटल लॉ या बायोसव लॉ का यूज करके हम लिख सकते हैं इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं नाउ बी टू मैग्निट्यूड ऑफ बी टू मैटिक फील्ड एट एनी पॉइंट से क्यू ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर ए ड्यू टू करेंट आई टू इन इन द सेकेंड कंडक्टर सी तो मैग्निट्यूड ऑफ मैटिक फील्ड बी टू इज अगेन यूजिंग द फॉर्मूला म्यू नॉट अब करेंट आई टू के कारण है सेकेंड कंडक्टर से में जो करंट सी से जो आई टू करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बी टू हो गया और डिस्टेंस तो दोनों कंडक्टर के बीच में डी ही है टू पाई डी दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री नाउ अब मैग्नेटिक फील्ड बी टू में कंडक्टर ए हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी टू जो कि आई टू करंट है जो सेकेंड पैरेलल कंडक्टर है उससे करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण अब मैग्नेटिक फील्ड बी टू जो सेटअप हुआ प्रोड्यूस हुआ तो उस उस मैग्नेटिक फील्ड में अब ये फर्स्ट कंडक्टर ये है तो ये फिर से फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा अब एक चीज़ और था इसमें कि यहाँ जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड V1 हुआ ये फोर्स ये कंडक्टर सी जो फोर्स एक्सपीरियंस किया तो उसका डायरेक्शन क्या होगा तो अभी हमने इसी के लिए तो लेफ्ट हैंड रूल बतलाया था तब आप कंडक्टर इसको जो है मिडिल uh, फिंगर को लेफ्ट हैंड के मिल मिडल फिंगर को करंट uh, I2 के अलॉन्ग रखें कंडक्टर के लॉन्ग रखें करंट के अलॉन्ग रखें क्योंकि मिडिल फिंगर फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है इंडिकेट करता है थ्रो द्रो द कंडक्टर ये ये आपका मिडिल फिंगर को करंट के लॉन्ग ये करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट किया और ये जो है डायरेक्शन ऑफ मैटिक फिल्ड जिसको यहाँ दिखाया गया है आउटवर्ड नॉर्मल और, और थम जो है थम बिल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थम किधर काम कर रहा है किधर है थम का डायरेक्शन थम का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है मतलब टुवार्ड्स कंडक्टर ये है तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा ये डायरेक्शन हो जाएगा इधर फोर्स एक्टिंग ऑन सी का जो डायरेक्शन हो जाएगा एफ सी का इधर हो जाएगा एलोंग ए तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा एफ सी ये एलोंग ए हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं बगल में इक्वेशन नंबर टू के डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ सी डायर एलोंग 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 द वायर और कंडक्टर ए यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो कि आज आज के इस वीडियो का सबसे पहला पार्ट था और B2 का डायरेक्शन किधर होगा बी का जो डायरेक्शन है हमने दिखाया है आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर यूजिंग यूजिंग राइट हैंड थंब रूल जो कि हमने बतलाया था ये हो गया आउटवर्ड नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल या अपवर्ड नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल आउटवार टू द प्लेन ऑफ पेपर टू द प्लेन और इसको रिप्रेजेंट हमने किया है किससे इन सर्किल डॉट से इसको हमने रिप्रेजेंट किया है इन सर्किल डॉट से अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल अब कंडक्टर ए फर्स्ट कंडक्टर अब सेकेंड कंडक्टर से जो करेंट फ्लो कर रहा है आई टू उसके मैग्नेटिक फील्ड में अब प्रेजेंट है तो कंडक्टर ए भी मैग्नेटिक फील्ड वी टू में प्रेजेंट है और इस कंडक्टर से करंट आई वन फ्लो कर रहा है तो इसके कारण कंडक्टर ए भी फर्स्ट कंडक्टर ए भी फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा विच इज गिवन बाई तो फोर्थ एक्सपीरियंस बाई डेर फोर फोर्थ एक्सपीरियंस बाई कंडक्टर ए फर्स्ट कंडक्टर एज एफ इक्वल्स टू फिर फॉर्मूला यूज कर दीजिए आई एल वी साइन थीटा तो करंट है अब करंट इसमें कितना है फर्स्ट कंडक्टर ए से आई वन लेकिन फर्स्ट कंडक्टर किस में है किसके के मैटिक फील्ड में है दूसरा कंडक्टर सी के मैटिक फील्ड में है दूसरे कंडक्टर सी के मैटिक फील्ड में फर्स्ट कंडक्टर है जो मैटिक फील्ड बी टू है तो आई वन बी टू और एक कंडक्टर ए भी इनफाइनाइट लेंथ का है तो इसका एक स्मॉल लेंथ ले लेते हैं यहाँ पर क्यों के अराउंड क्यों के क्यू के पास जो है क्यू के क्लोज मैंने क्यू पॉइंट के नज़दीक एक स्मॉल लेंथ ले लेते हैं स्मॉल एल और डेल्टा एल यहाँ भी क्योंकि कंडक्टर ए का भी लेंथ इनफाइनाइट है तो ये स्मॉल एल हो गया स्मॉल लेंथ माने कंडक्टर ए के स्मॉल लेंथ एल पर जो फोर्स काम किया आई वन बी टू इन एल और फिर साइन नाइन्टी क्योंकि कंडक्टर ही भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है साइन नाइन्टी वन हो गया तो उसको छोड़ देते हैं इट इज़ लेफ्ट आउट साइन नाइन्टी वन हो जाएगा इसीलिए तो आई वन और बी टू का वैल्यू अभी हमने यहाँ लिखा है म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई डी टू पाई डी इन टू एल ये एक्सप्रेशन भी उतना ही आ गया दैट इज मू वन म्यू वन आई वन आई टू आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी इन टू इसको यहाँ से पार्ट कर दिया तो सेम एक्सप्रेशन है ये तीसरा का भी एक्सप्रेशन ये थर्ड इक्वेशन हो गया ये सेकेंड वाला पहला था पहले से था ये पहले से था मौजूद पहले सी कंडक्टर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड वी वन के कारण जो कि फर्स्ट कंडक्टर इसे करेंट आई वन के कारण था मैग्नेटिक फील्ड तो एफ टू पहले मालूम था जिसका डायरेक्शन एलोंगे था अब ये अब देखना है होगा फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके कि कंडक्टर ए करंट कैरिंग कंडक्टर ए जिससे करंट आई वन फ्लो कर रहा है और दूसरे कंडक्टर से करंट आई टू के कारण जो मैटिक फील्ड है बी टू उसमें प्रेजेंट है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करेंगे जिसमें अब क्या करेंगे कि मिडिल फिंगर को करंट के अलॉन्ग कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अलॉन्ग रखा इस ढंग से स्टेज करके म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये मैटिक फील्ड का डायरेक्शन बी वन रिप्रेजेंट कर रहा है आई वन बी वन एमैटिक फील्ड का डायरेक्शन ये कंडक्टर से करंट का डायरेक्शन मिडिल फिंगर तो थंब जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स का डायरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाई द कंडक्टर तो फिर से एक बार ये फोर्स का थम जो है किधर पॉइंट कर रहा है कंडक्टर सी की तरफ तो यहाँ पर भी कंडक्टर सी देखिए यहाँ डायरेक्शन हो जाएगा एफ सी एफ ए फोर्स एक्सपीरियंस बाई कंडक्टर ए उसका डायरेक्शन हो जाएगा किधर हो जाएगा ये डायरेक्शन हो गया सी के लॉन्ग और सी पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ था मैट्रिक फील्ड वी वन के कारण वह हुआ था ए की तरफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा कितना ए लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ एफ वन एफ ए फोर्स सेक्टिंग बाई द कंडक्टर ए मैंने कंडक्टर ए के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा एफ ए तो उसका जो डायरेक्शन एफेशन तो वही आ गया म्यू नॉट आई वन आई टू ए लफ ऑन टू पाई डी लेकिन डायरेक्शन किधर होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये मिडिल फिंगर को करंट के लॉन्ग रखे जो कंडक्टर ए से फ्लो uh, कर रहा है और ये uh, जो फोर फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा तो ये जो थंब है वह वह जा रहा है इंडिकेट हो रहा है किधर थंब जो है किस किसके लॉन्ग है सी के लॉन्ग है तो जो कंडक्टर ए पर जो फोर्स होगा वह सी के लॉन्ग एक्ट करेगा तो एलोंग एलोंग सी हो गया एलोंग सी ये एफ ए हो गया जिसका डायरेक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ए एक्सपीरियंस बाई द कंडक्टर ए जो कि सी के लॉन्ग है तो इस प्रकार हम देखें यही एक्सप्रेशन आ गया इक्वेशन टू और थ्री दोनों सेम है वी कैन सी डैट बोथ सिकुएशन आर सेम एफ एजकल टू एफ सी जो कि म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई एल अपॉन डी है अब इस सिचुएशन के हेल्प से हम डिफिनिशन ऑफ एम्पियर एम्पियर को रिफाइन कर सकते हैं और एक सेकेंड सिचुएशन भी ले सकते हैं कि अगर uh, uh, अगर दोनों पैदल कंडक्टर दोनों पैदल कंडक्टर्स से करेंट में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे तब क्या होगा तब फोर्स इधर काम करेगा ये दोनों फोर्स एफ ए और एफ सी एक दूसरे के अपोजिट है और एक दूसरे के कंडक्टर के तरफ लग रहा है तो इसलिए दोनों करंट करिंग कंडक्टर जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो दे विल अट्रैक्ट इच अदर क्योंकि तो फोर्स जो है एफ ए जो है सी के लॉन्ग है और एफ सी जो है एफ सी जो है ए के लॉन्ग है तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है देअ दे विल अट्रैक्ट ईच अदर hence it is clear that force acting on each conductor a and c are same that is fa is equal to fc dono same hai not i1 i2 upon 2 pi d into a small l a small l jo hai small length hai each conductor ka jo jo ki force experience जो कि force experience कर रहा है जो कि दोनों कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है इसलिए एक small length पर कितना current flow या कितना force काम करेगा act करेगा तो हम सपोज किए हैं वो लेंथ स्मॉल एल तो एफ ए और एफ सी दोनों कंडक्टर पर जो फोर्स है वो सेम है तो दोनों हम सेम एफ एचकल टू एफ सी डैट इज़ उसको हम एफ मान लिए सपोज एफ एचकल टू एफ सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको हम एफ मान लिए और एक्सप्रेशन हो गया म्यू नॉट आई वन आई टू टू पाई डी इन टू एल दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर सेक्टिव बिटवीन टू इन फाइनाइटली लॉन्ग करेंट कैरिंग टू इन फाइनाइटली लॉन्ग पैरल करेंट कैरिंग कंडक्टर्स अनंत लंबाई का जो दो समानांतर धारावाही चालक है करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उनके बीच उन पर जो है फोर्स का आ, ये एक्सप्रेशन है फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा वह एक्सप्रेशन हो गया और यह भी क्लियर हुआ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन जो है कंडक्टर ए पर फोर्स सी के अलॉन्ग था और सी पर जो है ए के लॉन्ग था दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के दोनों का डायरेक्शन जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अटैक करेगा कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मल्टीपल चॉइस में भी पूछ देता है कि अगर टू पैरल इन्फाइनाइटली लॉन्ग पैरल पैरल करेंट अथी कंडक्टर्स है उसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो वे, वेदर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर रिपेल इच अदर तो नन ऑफ दीज तो आंसर होगा दे विल अट्रैक्ट इच अदर हैंस टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरल कंडक्टर्स विल अट्रैक्ट इच अदर इफ़ दे आर करेंट्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन जो कि हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखा अब इसका सेकेंड सिचुएशन हम देख सकते हैं कि अगर दो कंडक्टर से होकर दो कंडक्टर से होकर करंट अगर दोनों पैरेलल इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स है और लेकिन करंट जो है दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये कंडक्टर ए है फर्स्ट कंडक्टर सेकेंड कंडक्टर सी है और कंडक्टर ए में जो करंट का डायरेक्शन है आई वन अपवॉर्ड है लेकिन कंडक्टर सी में जो डायरेक्शन है वह वा डाउनवर्ड है आई टू मतलब दोनों कंडक्टर्स पैरेलल इन्फाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स में और सेपरेशन तो उतना ही है डी ही है दोनों के बीच में दोनों पैरल कंडक्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस है डी है स्मॉल डी है अब क्या होगा दोनों अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा ये देखना है एक्सप्रेशन तो सेम होगा फोर्स का यही होगा जो फोर में दिया है जो इक्वेशन टू और थ्री से था लेकिन दोनों सेम था तो हमने उसको फोर मान लिया दोनों को ए पे इजकल टू एफ सी इजकल टू एफ इजकल टू मिव नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी इन टू एल्व अब देखिए आई वन के कारण जो है जो यहाँ डायरेक्शन होगा मैटिक फील्ड का आई वन के कारण अब थम को रखेंगे थम को रखेंगे इसके अलांग थम को थम को रखेंगे करंट के अलांग कंडक्टर इसे कंडक्टर ए के अलाग रखेंगे जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो कर्ल फिंगर जो है अंदर की तरफ जा रहा है इसलिए आईवन के कारण कंडक्टर ए से आईवन करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सी के किसी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन इनवर्ड हो गया इनवर्ड नॉर्मल हो गया जिसको इन इंसर्किल कर देंगे क्रॉस दे करके इंसर्किल कर देंगे अब देखिए यहाँ पर जो है अब यहाँ पर देखें हम करंट आई आई टू फिर राइट हैंड थम रूल का यूज़ करें अब देखिए इसको कंडक्टर को रखे हम थम को रखे इसके अलांग करंट के लॉन्ग जिससे कि करंट के लॉन्ग जिसमें कि उस कंडक्टर सी के लॉन्ग कंडक्टर सी में कंडक्टर सी के सी में जो करंट आई टू फ्लो कर रहा है तो उसके अलांग जो है थम को हम रखें राइट हैंड को तो कर्ल फिंगर फिर जो है अंदर की तरफ है तो यहाँ पर जो है मैटिक फील्ड आई टू के कारण एक ही किसी पॉइंट पर जो मैटिक फील्ड होगा उसका भी डायरेक्शन इनवर्ड इनवार्डे नॉर्मल हो जाएगा तो यहाँ बी वन और बी टू फर्स्ट केस में बी वन था इनवर्ड नॉर्मल और बी टू था सेकेंड कंडक्टर ए सी के कारण ए के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड नॉर्मल था अपवर्ड नॉर्मल था इसमें राइट हैंड थंब रूल से दोनों का डायरेक्शन जो है दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड आई वन के कारण सेकेंड कंडक्टर सी के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन है और सेकंड कंडक्टर सी में करंट आई टू फ्लो कर रहा है तो उसके कारण फर्स्ट कंडक्टर ए के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड नॉर्मल ही है जिसको हमने बतलाया राइट हैंड थम रूल का यूज करके अब फोर्स का डायरेक्शन देखा जाए मैट्रिक फील्ड तो हो गया दोनों इन्वाड नॉर्मल हो गया बी वन बी टू अब फोर्स आई वन के कारण जो फोर्स काम करेगा सी कंडक्टर पर अब इसमें लेफ्ट हैंड फिंगर के लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड के फर्स्ट थ्री फिंगर को स्ट्रेच करेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर और मिडिल फिंगर जो है करंट के डायरेक्शन में होगा ये मैट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये मैट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये ऐसे स्ट्रेच करेंगे आइए फोर्स का डायरेक्शन तो थम जो है किधर जा रहा है अब इधर जा रहा है तो यहाँ जो फोर्स का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम ए हो गया फोर्स हो गया अब इसमें हम देखें फिर यहाँ मिडिल फिंगर फ्लेमिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे सेकेंड कंडक्टर सी में तो मिडिल फिंगर जो है करंट के डायरेक्शन को देखें और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फोर फिंगर और थंब जो होगा वह फोर्स का डायरेक्शन देगा इस कंडक्टर सी पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो ये किधर काम कर रहा है मडिल फिंगर को करंट के लॉन्ग रखें कंडक्टर सी के लॉन्ग करंट जो मैं मैंने जो करंट आई टू फ्लो फ्लो कर रहा है उसके लॉन्ग कि मिडिल फिंगर जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में वह करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और ये मैं, ये फोर फिंगर मैटी फील्ड के डायरेक्शन को तो थम्ब जो होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को एक्सपीरियंस करेगा तो फोर्स देखिए यहाँ भी सी से फोर्स जो है राइट right साइड में काम कर रहा है मतलब सी के भी ओंड ही काम कर रहा है सी से दूर तो यहाँ भी फोर्स जो होगा यहाँ फोर्स का डायरेक्शन जो हो गया ये फिर बाहर की तरफ तो ये फिगर टू में हमने देखा कि दो पैरल इंफाइनाइटली लॉन्ग करेंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि डी सेपरेशन पर रखा है और करंट अगर इसमें दोनों कंडक्टर्स में दोनों पैरेलल कंडक्टर्स में करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट बाहर की, की तरफ काम कर रहा है तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा अट्रैक्शन के बदले रिपल्शन फर्स्ट केस में अट्रैक्शन होगा जब दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग पैदल कंडक्टर्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आई भी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में आई भी अपवर्ड डायरेक्शन में तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अटैक करेगा लेकिन यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बाहर की तरफ है दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा यहाँ ए अवे फ्रॉम ए है एफ का डायरेक्शन एपे का और एफ सी का भी डायरेक्शन जो होगा अवे प्रोम सी है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा देयर फोर इफ टू टू करंट इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरल कंडक्टर्स विल रिपेल इच अदर विल रिपेल इच अदर इफ करेंट थ्रो दैम इफ दे आर करेंट्स फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शंस हैंस राइट डाउन हैंस इन फिगर टू क्लियर इन फिगर टू it is clear that two infinitely long two infinitely long parallel conductors current carrying conductors parallel conductors current carrying conductors or simply conductors will repel each other repel इफ इफ करेंट बोथ करेंट्स फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन इफ दे आर करेंट्स फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर दो इन्फाइनाल लॉन्ग पैरल कंडक्टर से अनंत लंबाई का दो धारावाहिक लंबा चालक तार है सीधा पतला और उसमें करंट दोनों कंडक्टर से करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा तो सही आंसर होगा दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा अगर दोनों पैरल कंडक्टर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तब इन अपोजिट डायरेक्शंस सो इट इज क्लियर डैट टू इन फाइनेटली लॉन्ग पैरल कंडक्टर्स करंट कैरिंग कंडक्टर्टर्स विल रिपेल इच अदर इफ दे आर करेंट्स फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में दोनों पैरल कंडक्टर से जैसा फिगर वन में देखा अगर सेम डायरेक्शन में दोनों कंडक्टर्स पैरल कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो अटैक करेगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो रिपेल करेगा तो ये हो गया टॉपिक और एक्सप्रेशन जो फोर्स का होगा एफेजकल टू एफ सी जो दोनों को फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट है वो सेम होगा इसी ढंग से वो एक्सप्रेशन सेम होगा लेकिन दोनों कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर पहले कंडक्टर से एक दूसरे को रिपेल करेगा अब इसी फार्मूला से एम्पियर हम एक एम्पियर करंट को डिफाइन कर सकते हैं डिफिनिशन ऑफ एम्पियर कभी कभी पूछ सकता है शॉर्ट में भी या टेल में भी इसमें दे सकता है और उसके बाद दो प्रॉब्लम एन सी प्रॉब्लम नाउ डिफिनिशन ऑफ एम्पियर from the formula we obtain between the forces acting between two infinitely long parallel conductors the formula is f by l is equal to mu mu naught i 1 i 2 upon 2 pi d from equation 4 and this can be written as equation 5 उसमें था एफ इजकल टू म्यू नॉट इक्वेशन फोर में म्यू नॉट एफ इजकल टू एफ इजकल टू एफ सी इजकल टू एफ इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपन टू पाई डी इन टू एल तेल को नीचे यहाँ ले आए जिससे कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ हो गया इस कंडक्टर के इस पैरल कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स होगा वो एफ वाई एल हो गया तो म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी अगर दोनों करंट को हम एक चूंकि वन एम्पियर हमको डिफाइन करना है तो इसलिए आई वन इजकल टू आई टू इजकल टू वन एम्पियर इसको अगर वन एम सपोज करें और सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स पैरल कंडक्टर इज़ ऑल्सो टेकन एच वन मीटर दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस भी एक मीटर लिया जाए और दोनों कंडक्टर पैरल कंडक्टर से करंट भी आई वन और आई टू एक एमपीयर लिया जाए टू सिचुएशन में इक्वेशन फाइव जो होगा इसमें फोर सेक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ फोर सेक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ इच कंडक्टर आई ऑन कंडक्टर ए बाई सी एंड फिर ऑन और ऑन कंडक्टर सी बाई ए तो कंडक्टर ए के पर यूनिट लेंथ पर ये फोर्स काम करेगा कंडक्टर सी द्वारा और कंडक्टर सी के पर यूनिट लेंथ पर कंडक्टर ए के द्वारा भी फोर्स एफ वाई एल इतना ही फोर्स काम करेगा तो एफ वाई एल हो गया म्यूनॉट आई वन इजकल टू वन एम्पियर हमने सपोज़ किया है आई टू भी वन एम्पियर और टू पाई अपन टू पाई फार्मूला में है इन टू डी इजकल टू वन मीटर दोनों कंडक्टर्स पैरेलल कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस है तो ये हो गया म्यूनॉट केवल म्यूनॉट का वैल्यू हमने रख दिया फोर पाई इंटू म्यूनॉट का वैल्यू म्यूनोट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम निर्वात या शून्य की चुमकनशीलता हिंदी में इसको कहा जाता है म्यूनॉट को तो इसका वैल्यू फोर पाई इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन हेनरी पर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर और अपॉन टू पाई म्यूनॉट का वैल्यू रख दिया फोर पाई इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन अपॉन टू पाई यहाँ नीचे में जो है अब पाई से पाई कैंसिल और फोर ये फोर कैंसिल हो गया टू से तो टू बचा ऊपर में तो केवल अब हमें बचा एफ अपॉन एल फोर्थ एक्टिंग पॉ यूनिट लेंथ पर फोर्स एक्टिंग पॉवर यूनिट लेंथ ऑफ़ इच कंडक्टर इज ड्यू टू अदर कंडक्टर इज टू इंटू टेन रू पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर इसका मतलब है कि प्रत्येक कंडक्टर के यूनिट लेंथ पर टू इंटू टेन टू रुपावर माइनस सेवन न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा दूसरे कंडक्टर के द्वारा मतलब ए के पर यूनिट लेंथ पर टू इंटू टेन रूपावर माइनस सेवन न्यूटन और फिर दूसरा पैरल कंडक्टर सी है उसके भी पर यूनिट लेंथ पर भी इतना ही फोर्स एक्ट करेगा टू इंटू टेन रूपावर माइनस सेवन न्यूटन का तो इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं वन एम्पियर को एन्स वन एम्पियर करंट वन एम्पियर करंट इज डेट करंट, विच इफ मेंटेन्ड इन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय वन मीटर इन वैक्यूम प्रोड्यूसेस ए फोर्स ऑफ टू इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर ऑफ द अदर कंडक्टर तो वन एम्पियर इज करंट इज आई आई एम रिपिंग अगेन वन एम्पियर हैंज वन एम्पियर करंट इज दैट करंट विच इफ मैंटेन्ड इन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरल कंडक्टर्स सेपरेटेड बाई वन मीटर इन वैक्यूम प्रोड्यूसेस ए फोर्स ऑफ टू इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर ऑफ द अदर कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर जिसमें कि दोनों कंडक्टर से अगर सेम करेंट लेते हैं वन एम्पियर और अगर सेपरेटेड uh, है वैक्यूम uh, में सेपरेटेड है वन मीटर से तो एक एम्पियर करंट वह करंट होगा जो कि दूसरे कर, दूसरे कंडक्टर जो पैरल कंडक्टर है उसमें भी उतने ही मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करने पर दूसरे कंडक्टर का एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टू इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन न्यूटन का तो प्रत्येक कंडक्टर के यूनिट लेंथ पर फोर्स काम करेगा टू इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन न्यूटन सो इट इज रिटर्नाइज टू इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर एक कंडक्टर ए के द्वारा दूसरे कंडक्टर सी के यूनिट लेंथ पर टू इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा एक्सपीरियंस करेगा फिर जो है कंडक्टर सी के द्वारा कंडक्टर ए के पर यूनिट लेंथ पर भी इतना ही फोर्स काम करेगा टू इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन न्यूटन देयर फोर्स दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू पैरल टू पैरल इनफाइनाइटली लॉन्ग अस्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स ये टॉपिक ये जो है डिफिनीशन ऑफ एम्पियर लॉन्ग क्वेश्चन का ये था तो ये पूरा हुआ डिफरेंट बोर्ड एग्जामेशंस में पूछा जा सकता है स्टेट बोर्ड्स में भी सी बी एस ई बोर्ड में तो इस साल पूछा भी था और और डिफरेंट बोर्ड्स में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है आइदर थ्री मार्क्स और फाइव मार्क्स में तो इसके प्रॉब्लम के साथ भी थ्री मार्क्स में डेरिवेशन होगा और टू मार्क्स में प्रॉब्लम होगा तो इसे तैयार करना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब इसके बाद इसी फार्मूला पर बेस्ड एक प्रॉब्लम एन सी आर टी टेक्स्ट बुक का और एक एम्पियर लॉ का जो कि पिछले पार्ट पार्ट टेन में हमने पढ़ाया था सोलनवाइड के सोलनवाइड के के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो उस फार्मूला पर B कल टू म्यू नॉट एन इन टू आई उस फार्मूला पर एक प्रॉब्लम है एन सी आर टी थी बुक का ही तो दो प्रॉब्लम मैं करने जा रहा हूँ सॉल्व करने जा रहा हूँ एन सी आर टी टेक्स्ट प्रॉब्लम Now some solution of some NCERT text problem, problems. First problem is question number 4.7 of NCERT textbook, in which two long and parallel straight wires, capital A and capital B, carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction, same direction. आर सेपरेटेड बाई फोर सी एम दोनों कंडक्टर के बीच ए और बी के बीच सेपरेशन फोर सेंटीमीटर है करंट फ्लो कर रहा है एट एम्पियर कंडक्टर ए से और दूसरा पैरल कंडक्टर बी से फाइव एम्पियर दोनों सेम डायरेक्शन में एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए टेन सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए टेन सेंटीमीटर सेक्शन है वायर ए का यहाँ लेंथ स्मॉल लेंथ एलिजल टू टेन सेंटीमीटर तो इस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कैलकुलेट करना है और फोर्स का डायरेक्शन पहले भी हमने बतला दिया कि दो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था फोर्सेस बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर तो सेम डायरेक्शन में अगर दोनों पैरेलल कंडक्टर से ए, सेम डायरेक्शन में के सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अटैक करेंगे और मैटिक फील्ड का भी डायरेक्शन जो होगा ये बीवन था इसके कारण ए टेम के कारण इनवर्ड नॉर्मल जो कि कंडक्टर बी के किसी पॉइंट पर होगा और सेकेंड कंडक्टर बी के कारण जो करंट फाइव एम्पियर है सेम डायरेक्शन में तो उसके कारण कंडक्टर ए के किसी पॉइंट पर जो कंडक्टर थी मैटिक फील्ड जो मैटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा जिसको कि इन सर्किल डॉट से डॉट को इन इनसर्किल करके रिप्रेजेंट किया गया है और uh, एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव किया था फोर्से एक्टिंग बिटवीन टू पैरल टू पैरल करंट कैरिंग कंडक्टर तो उसमें भी हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया था और फोर्स जो है देखिए दोनों अट्रैक्टिव नेचर का होगा दोनों एक दूसरे के कंडक्टर uh, ए पर फोर्स जो है बी के अलॉन्ग है और बी पर ए के अलॉन्ग है देयरफॉर डेविल एट्रैक्टी चदर अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा तो अब हम फोर्स का एस्टिमेट करना है कि ए क्या जो स्मॉल लेंथ है टेन सेंटीमीटर लेंथ पर कितना फोर्स एक्ट करेगा नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व हिट इट इज गिवन आई वन इज कल टू करंट थ्रो आई वन इज एट कर ए टेम्पियर विच इज करेंट थ्रो द वायर कंडक्टरी कंडक्टरी से जो करंट है पहला करंट वो ए टेम्पियर है तो आई वन इज कल टू इट इज गिवेन आई वन इज कल टू ए टेम्पियर और आई टू है सेकेंड पैरल कंडक्टर बी से करेंट है आइव एम्पियर सेम डायरेक्शन में अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन और सेपरेशन दोनों के बीच में डी है फोर सी एम फोर सी एम है डैट इज फोर बाई हंड्रेड मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे फोर बाई हंड्रेड मीटर डैट इज फोर इंटू टेन टू पावर माइनस टू हंड्रेड है टेन स्क्वायर ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगा टेन टू पावर माइनस टू मीटर और लेंथ जो है स्मॉल ए का जो पोर्सन है टेन सेंटीमीटर उस पर फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा ये देखना है एल इज कल टू अ स्मॉल लेंथ कंडक्टर ए का टेन सी एम है इसको भी आप आ, मीटर में कन्वर्ट कर लें दैट इज टेन अपॉन हंड्रेड हंड्रेड मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया वन बाई टेन मीटर दैट इज जीरो पॉइंट वन मीटर वन बाई टेन बचा जो जीरो पॉइंट वन मीटर और फार्मूला जो है टेन सेंटीमीटर लेंथ पर हमको तो करना है अब यूजिंग द फार्मूला वी हैव अभी जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू इनफाइनाइटी लॉन्ग पर करेंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग द फार्मूला वी हैव एफ इक्वल्स टू म्यूनोट इंटू आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी इंटू एल स्मॉल एल जो कि दिया है म्यू म्यूनोट का वैल्यू फोर पाई इंटू टेन टू री पावर माइनस सेवन आई वन इज इवेन एट टेम्पी एल आई टू इज फाइव एल इज अपॉन डी इज फोर इंटू टेन टू पावर माइनस टू टू पाई भी है ये डी का वैल्यू हो गया सेपरेशन डी का वैल्यू फोर सेंटीमीटर और टू पाई पहले है और मल्टीप्लाइड बाई एल एल इजगल टू जीरो पॉइंट वन मीटर यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया फोर से फोर कैंसिल हो गया और यहाँ टू से एट कैंसिल हो गया तो फोर बचेगा तो फाइव इंटू फोर डेट इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो पॉइंट वन तो पॉइंट uh, से मतलब वन बाई टेन हो गया तो पॉइंट से ज़ीरो कैंसिल हो गया तो खाली केवल टू बचेगा टू इंटू और यहाँ पर माइनस टू और माइनस सेवन पावर है तो माइनस फाइव माइनस टू से माइनस सेवन का माइनस टू पावर कैंसिल हो गया तो इसमें माइनस फाइव पावर बचा और यहाँ पर फाइव और इंटू फोर ट्वेंटी ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो पॉइंट वन तो केवल टू हो जाएगा टू इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव ये हो गया इजकल टू टू इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव न्यूटन आंसर दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए सेक्शन टेन सेंटीमीटर ऑफ लेंथ टेन सेंटीमीटर ऑफ वायर ए ड्यू टू अदर पैरल कंडक्टर बी तो ये फोर्स हो गया एफ फिजिकल टू टू इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन माइनस सॉरी टू इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव न्यूटन एंड एनी द सिंबल ऑफ न्यूटन यही आंसर हो गया और ये फोर्स जो होगा किस नेचर का होगा अट्रैक्टिव नेचर का होगा ब्रैकेट में लिख लीजिए अट्रैक्टिव नेचर अट्रैक्टिव केवल लिख देंगे काम चल जाएगा और यही आंसर हो गया तो ये इसी फॉर्मूला पर होगा फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इन फाइन लेंथ ऑफ इन फाइनाइट लेंथ अब एक प्रॉब्लम जो मैंने पिछले पार्ट में किया था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड साइड सोलिन यूजिंग एम्पीयर ऑफ लॉ तो उस पर भी एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भी टेकअप करता हूँ जो इस पार्ट का लास्ट टॉपिक होगा लास्ट प्रॉब्लम होगा नाउ क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर जीरो फोर पॉइंट एट विच इज इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ ए करंट कैरिंग Uh, magnetic field inside uh, a current-carrying solenoid. The problem is a closely wound, a closely wound solenoid, 80 centimeter long, has five layers of windings of 400 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8 cm. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B vector, that is magnetic field. इनसाइड द सोलेंड वाइड इस सेंटर एक लॉन्ग सोल है जिसके तार काफ़ी नज़दीक में लिपटे हुए हैं सटे हुए हैं एक दूसरे से वाइंडिंग्स है, सटा हुआ और सोलन का लेंथ ज़्यादा है एटी सेंटीमीटर है जबकि इसका डायमीटर केवल वन पॉइंट एट सी एम है मैंने बताया भी था कि सोलैंड का जो लेंथ होता है लेंथ के कंपेरिजन में डायमीटर उसका निगलेबल होता है लेंथ एटी सी एम है डायमीटर केवल वन पॉइंट एट सी एम है और पांच लेयर है उसमें सोलनॉइड में पांच लेयर है वायर्स का और ईच लेयर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वाइंडिंग का वह फोर हंड्रेड टर्न्स है तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स हो जाएगा कितना एक लेयर में फोर हंड्रेड टर्न्स है तो फाइव लेयर्स है तो फाइव इंटू फोर हंड्रेड दैट इज टू थाउजेंड टर्न्स हो जाएगा कुल मिला करके ऑल फाइव लेयर्स में सोलनॉइड का और करेंट फ्लो करता है उससे सोलनॉइड से ए टेम्पियर तो मैग्नीट्यूड ऑफ मै बी वैक्टर डैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको एस्टिमेट करना है कैलकुलेट करना है इनसाइड द सोल नियर इट सेंटर नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट इसका फार्मूला भी हमने दे, मैंने डिराइव किया था पार्ट टेन में एक्सप्रेशन फॉर फॉरमेटिक फील्ड इन साइड ए सोल एंड वाइड बीच गल टू तो, म्यू नॉट अ स्मॉल एन इंटू आई वेयर अ स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ लेंथ भी दिया है नंबर ऑफ टर्न्स भी है फाइव लेयर्स में फोर इंटू फाइव इंटू फोर हंड्रेड एटी टू थाउजेंड और लेंथ है ए टी सी एम तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में उसमें ये एटी सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल लेन आ जाएगा तो सारा कुछ दिया हुआ है तो इट इज़ गिवन लेंथ ऑफ द सोल एन इज कल टू एटी सी एम इज मीटर में कन्वर्ट कर लें एटी अपॉन हंड्रेड मीटर इज जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया एटी का एक ज़ीरो हंड्रेड की एक जीरो से एट बाई टेन तो जीरो पॉइंट एट हो जाएगा जीरो पॉइंट एट मीटर एट में टेन से डिवाइड करेंगे जीरो पॉइंट एट मीटर तो लेंथ को हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें नंबर ऑफ़ टोटल लेयर कितना है फाइव लेयर्स है और नंबर इच लेयर में नंबर ऑफ़ टर्न्स है तार के वाइंडिंग का फोर हंड्रेड तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स इन हो गया कितना फाइव लेयर है और इच लेयर में कितना है फोर हंड्रेड टन है टर्न्स uh, है तार का लपेटा जो है फेरा वाइंडिंग्स तो फोर इतना टर्न हो गया फाइव लेयर में तो फाइव इंटू फोर हंड्रेड टर्न्स तो डेट इज़ टू थाउजेंड टनस हो गया टू थाउजेंड टर्म्स हो गया वाइंडिंग्स तार का जो फेरा है लपेटा इन हो गया और सोलनवाइट डायमीटर का जरूरत नहीं है फार्मूला में सोलनवाइट का डायमीटर काफ़ी कम होता है लेंथ के कंपेरिजन में उसका जरूरत नहीं है करंट का जरूरत है आई इज कल टू एट एम्पियर एट पॉइंट जीरो एमपियर डैट इज एट एम्पियर तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर दैट इज बी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है सोलनवाइट के सेंटर पर तो so, जो फार्मूला होता है यूजिंग द फार्मूला एक्सप्रेशन फॉर्मेटिक फील्ड इन साइड एज एंड इज यूजिंग द फॉर्मूला बी कैपिटल बी इज टू म्यू नॉट म्यू नॉट अ स्मॉल एन इन टू आई स्मॉल एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोल एंड वाइड और म्यू इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम निर्वात अशून्य की चुम्बकनशीलता हिंदी में इसको कर सकते हैं म्यूनॉट को एन है सोल के प्रति कई लंबाई में तार के लपेटों की संख्या दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ ऑफ द सोल जो कि हमने निकाला फाइव लेयर्स है और इच लेयर में फोर हंड्रेड टन्स है फोर हंड्रेड वाइंडिंग्स है ईच लेयर में लपेटा है फेरा है इसलिए फाइव लेयर्स में फाइव इंटू फोर हंड्रेड टन्स या टू थाउजेंड टन्स हो गया तो म्यू नॉट का वैल्यू फोर पाई इंटू इसको हम और भी एक स्टेप लिख लेते हैं म्यूनोट स्मॉल एन इज कल टू टोटल नंबर ऑफ टंस बाई लेंथ हो जाएगा इंटू आई और नॉट का वैल्यू है फोर पाई इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन और एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टंस टू थाउजेंड टू थाउजेंड हो गया और लेंथ हो गया 0.8 मीटर ए टी है तो मीटर में कन्वर्ट मैंने किया और करंट इज एट जीरो करंट इज एट एम्पियर करंट भी एट एम्पियर है अब देखिए 0.8 से 8 कैंसिल हो जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा केवल वो रहता तो वो ए वन टाइम होता यहाँ 0.8 है तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में तो 80 हो जाएगा 80 अपॉन एट तो 10 0.8 से 8 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर 0.8 से 8 कैंसिल हुआ तो यहाँ टेन हो जाएगा और यहाँ आपको तीन जीरो है टू पर थ्री जीरो और एक जीरो फोर जीरो यहाँ पर माइनस सेवन है तो डेट इज फोर पाई फोर पाई तो रहेगा फोर पाई आ, फोर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं फोर इंटू टू डेट इज एट तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट एट पाई फोर इंटू टू एट हो गया फोर इंटू टू एट और थ्री जीरो है वहाँ एक ज़ीरो है वहाँ टेन जो कैंसिल किया है जीरो पॉइंट एट से एट को तो टेन हो गया तो वहाँ पर टू पर थ्री जीरो और वन पर एक जीरो फोर जीरो हो गया और यहाँ माइनस सेवन है तो टेन टू पावर माइनस सेवन इंटू टेन टू पावर प्लस फोर रेट इज टेन टू पावर माइनस थ्री एट पाई फोर इंटू टू एट हो गया एट पाई इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री माइनस फोर यहाँ तीन जीरो है दो पर एक जीरो और हो गया वहाँ टेन है तो फोर तो जीरो टेन टू तो पावर प्लस फोर है टेन टू पावर माइनस सेवन तो माइनस सेवन से टेन टू पावर फोर पावर टेन टू पावर फोर पावर से टेन टू पावर माइनस सेवन का माइनस फोर पावर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस थ्री पावर बच जाएगा तो टेन टू पावर माइनस थ्री ये बी इजकल टू देयर फोर बी इजकल टू माइनेटिक माइनीश्यूड ऑफ मैटिक फील्ड इजकल टू एट पाई इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री और यूनिट ऑफ मैटिक फील्ड इज टेस्ला टेस्ला को का सिम्बॉल टी हो गया आंसर और पाई का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं थ्री पॉइंट वन फोर एक स्टेप पावर हो सकता है इतना भी एट पाई इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री टेस्ला मैटिक फील्ड इनसाइड द सोल एंड वाइल्ड नियरिस्ट सेंटर एट पाई इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री टेस्ला ये पार्ट समाप्त हुआ पार्ट इलेवन थैंक यू वेरी मच